हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस बैच। कल आप लोगों ने पहली क्लास देखी थी जिसमें हम लोगों ने यूपीपी और यूपीएसआई और यूपीएएसआई में जो सवाल एग्जाम में पूछे गए थे उन पे हम लोगों ने चर्चा की थी। उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिया गया है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहली बात तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा पाएं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिया गया है, एक आदमी पूरब की ओर, क्या दिया गया है आपको सवाल, एक आदमी पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोला गया है, वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोला गया है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोला गया है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर आपको क्या दिया गया है, वह फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोला गया है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो पूछा गया अंत में दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोला गया है, अंत में दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो पूछा गया है आपसे, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो स्टार्टिंग कहाँ से की थी, ये इसका क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु। अब है ये कहाँ पे, अंतिम बिंदु ये है आपका। तो पूछा गया है वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो आप ध्यान से समझिएगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपको कितनी दी गई है, 5। तो टोटल कितना हो गया, 5। और फिर यहाँ पे कितना, ये इतना और चला है, कितना हो गया, 6। तो यहाँ से टोटल कितना आ जाएगा, 6 और 5, 11 किलोमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 11 किलोमीटर। यहाँ पे कितना था, देखो यहाँ से स्टार्ट किया तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, 5 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई, 6 किलोमीटर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 11 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इस उत्तर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है, आगे दिया गया है, वह बाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोला गया है, फिर बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। अब पूछा गया है, और गंतव्य स्थान तक पहुंचता है,
लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। आप लोग कमेंट करके आंसर बताते रहिए। तो पूछा गया सवाल में लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो सबसे पहले वह कितना चला है 7 किलोमीटर, उसके बाद कितना चला है 14 किलोमीटर, उसके बाद कितना चला है 15 किलोमीटर। तो टोटल को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 14 जोड़ देंगे 29, 29 में 7 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर। तो क्या आ जाएगा 36 किलोमीटर इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ये भी सवाल आपका यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया गया है आपके सामने पे, क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। फिर क्या पूछा है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्या बोला गया, और फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर क्या दिया गया है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, फिर वह 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, फिर वह 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है। फिर क्या बोला गया सवाल में आपसे, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, और अंततः दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अंततः दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो पूछा गया सवाल वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आरंभिक बिंदु चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, तो ये इसका क्या हो गया प्रारंभिक बिंदु हो गया। अब है कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा इसका अंतिम बिंदु। अब ध्यान समझिएगा, यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी दी गई है आपको 7 किलोमीटर, और फिर यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 4, तो टोटल कितना आ जाएगा 7 और 4 11 किलोमीटर क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल दिया गया है, एक लड़का पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलता है, एक लड़का पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलता है, एक लड़का पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर क्या बोला गया है, फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो पूछा गया है गंतव्य तक पहुंचता है लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो टोटल कितना चल रहा है 20 पहले चला, फिर कितना चला है 4, फिर कितना चला है 9, तो 20 और 4 24 में 9 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 33 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा 33 किलोमीटर इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके सामने दिया गया है कि एक लड़का उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है, एक लड़का उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है, कितना चल रहा है 7 किलोमीटर। फिर क्या बोला गया है, उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है,
फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो पूछा गया है वह गंतव्य तक पहुंच जाता है तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी, तो पहले कितना चला है 7, फिर कितना चला है 3, और उसके बाद कितना चला है 6, तो 7 और 3 10, 10 और 6 16 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 16 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं आगे, अगला दिया है सवाल आपके सामने, दिया एक आदमी पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है, एक आदमी पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर क्या बोला गया, वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बोला गया और एक बार फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर एक बार दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो सवाल ये पूछा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये इसका क्या था शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट था और ये आपका क्या है अंतिम पॉइंट है इसका। तो यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक इसके बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी दी गई है आपको 7 किलोमीटर और प्लस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दी गई है कितनी दी गई है 2 किलोमीटर, तो ये आपका क्या आ जाएगा 7 और 2 9 किलोमीटर। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 9 किलोमीटर इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, अगला दिया गया है एक महिला पूरब की ओर 14 किलोमीटर चलती है, एक महिला पूरब की ओर 14 किलोमीटर चलती है, पूरब की ओर 14 किलोमीटर चलती है, वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, वह फिर एक बार दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर 11 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर 11 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर 11 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। तो पूछा है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये इसका क्या था आरंभिक बिंदु था, यहां से स्टार्ट किया था और ये इसका क्या है अंतिम बिंदु है, ये इसका क्या है अंतिम बिंदु दिया गया है।
तो अब पूछा है कि यहां से यहां तक टोटल उसकी कितनी दूरी, तो यहां से यहां तक कितना चला है, वो 3 किलोमीटर प्लस, अब टोटल यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी 15, और इसमें से ये 4, ये इतना चला है तो क्या कर देंगे 4 माइनस कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 14 प्लस 11, तो ये आपका कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर। इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो यहां से पूछा आरंभिक बिंदु से यहां तक की डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, तो या तो ये आप कह सकते हो कि यहां से यहां तक की कितनी है 14, अब यहां से देखो ये टोटल यहां से यहां तक की कितनी है 15, तो क्या कर देंगे 15 से 4 किलोमीटर माइनस कर देंगे 11 आ जाएगा, और 14 में 11 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगला सवाल दिया है आपके सामने स्क्रीन पर, एक महिला पूरब दिशा की ओर 16 किलोमीटर चलती है, एक महिला पूरब दिशा की ओर 16 किलोमीटर चलती है, पूरब दिशा की ओर 16 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर दिशा की ओर 16 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर दिशा की ओर 16 किलोमीटर चलती है, 16 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और 18 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 18 किलोमीटर चलती है, और अंत में वह दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, अंत में वह दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। तो पूछा है वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो यहां से स्टार्टिंग किया था, यहां की डिस्टेंस आपसे पूछा गया है, तो यहां से डिस्टेंस पूछा गया, तो यदि ये दूरी टोटल आपकी कितनी दी गई है, यहां से टोटल दूरी आपको दी गई है 16 प्लस ये कितना दिया गया 18 और माइनस कितना कर देंगे 9, तो यहां से कितना आ जाएगा 16 प्लस 9, ये आपका कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर। इस सवाल का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 25 किलोमीटर। इस सवाल का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, सेम सवाल ये भी है पूरा, देखिएगा, एक महिला पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलती है, एक महिला पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलती है, पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, एक बार फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, एक बार फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर 13 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर 13 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर 13 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और 13 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ी कितना चली है 13 किलोमीटर चलती है, फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यह इसका क्या है अंतिम स्थान है, और ये क्या है यहां से स्टार्ट किया था चलना, तो ये क्या हो जाएगा इसका प्रारंभिक, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी गई है 10 प्लस टोटल यहां से यहां तक की कितनी दी गई है 13, और यहां से 3 माइनस कर दोगे टोटल कितना आ जाएगा 10,
तो 10 प्लस 10 टोटल कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। इस सवाल का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, दिया गया है एक महिला पूरब की ओर 11 किलोमीटर चलती है, एक महिला पूरब की ओर 11 किलोमीटर चलती है, पूरब की ओर 11 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है, एक बार फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, एक बार फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है, फिर वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और 16 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 16 किलोमीटर चलती है, फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। तो पूछा है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ तो ये डिस्टेंस पूछा है, तो ये आपका क्या है प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका क्या है अंतिम बिंदु है। तो टोटल डिस्टेंस यहां से निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 11 प्लस, अब यहां से टोटल यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 16, और ये वाली डिस्टेंस क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो ये आपका आ जाएगा 11 प्लस 13, ये आपका आ जाएगा 24 किलोमीटर। इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस सवाल का सही आंसर होगा 24 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया गया है आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल क्या दिया गया पढ़िए, जगन अपने घर से प्रारंभ करके दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है, दक्षिण पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलता है और फिर वह अपने बाईं 90 डिग्री मुड़ता है और 12 किलोमीटर, फिर क्या बोला गया, फिर वह अपने बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ता है, 90 डिग्री मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलकर मंदिर पहुंचता है, 12 किलोमीटर चलकर मंदिर पहुंचता है, 12 किलोमीटर चलकर मंदिर पहुंचता है, इस मंदिर से उसके घर पहुंचने के लिए कम से कम दूरी क्या होगी, कम से कम दूरी क्या होगी। तो ये यहाँ पे मंदिर है इसका, मतलब यहाँ पे पहुंचा है और ये इसका क्या है प्रारंभिक स्थान, तो आपसे ये डिस्टेंस पूछा है कितनी होगी। तो यहाँ से आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये आपका क्या जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 144 प्लस 81, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट में 225, तो ये आप किसका होता है 15 का, तो ये आपका क्या आ जाएगा 15 किलोमीटर। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 25 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, ये भी सवाल आपका यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, अगला दिया है एक स्त्री एक बिंदु से चलती है और 15 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, 15 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, 15 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, वह बाएं मुड़ती है और
12 मीटर चलती है, वह बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है, वह बाएं मुड़ती है और 12 मीटर चलती है। फिर क्या बोला गया है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, आखिर में वह पलटती है और 20 मीटर चलती है, आखिर में वह पलटती है और 20 मीटर चलती है, आखिर में वह पलटती है और 20 मीटर चलती है। तो पूछा गया है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब ये पलटी तो फिर यहां से चली है तो फिर वापस आ गई, यहां तक गई थी, इसका मतलब क्या है, ये फिर वापस आई है, तो ये आपका कितना दिया है 20 मीटर, ये आपका कितना दिया है 20 मीटर। तो आपको पता होगा ये डिस्टेंस पूछा है यहां से, तो ये जो 12 है तो ये भी क्या हो जाएगी 12 मीटर, तो टोटल इसका क्या हो जाएगा आंसर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 12 मीटर, इस सवाल का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है 12 मीटर की दूरी पर है। अगला सवाल देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर, अगला दिया गया है सवाल, रमेश 20 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला, रमेश 20 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला, 20 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण की तरफ मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, फिर पूरब की तरफ मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, फिर पूरब की तरफ मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, फिर पूरब की तरफ मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, और अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या था ये, तो ये इसका क्या हो गया प्रारंभिक, और यहाँ पे पहुंचा है तो ये आपका क्या हो गया अंतिम। तो पूछा यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, तो जब ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगी 20, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला देखते हैं सवाल, अगला सवाल दिया गया है आपके सामने, बढ़िया सवाल है, यूपीएसआई 2017 का है सवाल, राजा उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, राजा उत्तर पूर्व दिशा में, राजा उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह पश्चिम की ओर चलकर 22 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह पश्चिम की ओर चलकर 22 मीटर की दूरी, फिर वह पश्चिम की ओर चलकर 22 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह पश्चिम की ओर चलकर 22 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर तक चलता है, फिर वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, कितना चल रहा है दक्षिण पश्चिम 10 मीटर चलता है। फिर क्या बोला गया सवाल में, फिर वह 5 मीटर की दूरी पूरब की ओर चलता है, फिर वह 5 मीटर की दूरी पूरब की ओर चलता है, वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, वहां से फिर दक्षिण पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर क्या बोला गया है, फिर वह 5 मीटर की दूरी तक पूरब की ओर चलता है, फिर वह 5 मीटर की दूरी तक पूरब की ओर चलता है, फिर बोला गया है फिर उत्तर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है और उस स्थान पर रुकता है, तो वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो टोटल देखो यहां से क्या है डिस्टेंस इसकी दी गई है,
ये दूरी टोटल कितनी दी गई है 22, तो टोटल क्या हो जाएगा 22। अब इससे कितना माइनस करेंगे, टोटल देखिए कितना चला है यहाँ पे, टोटल जो उसने डिस्टेंस निकाली है तो टोटल कितना यहाँ पे चला है उसने टोटल दूरी, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, तो 22 से 10 माइनस कर देंगे तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 12 मीटर। इस सवाल का क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है 12 मीटर क्या हो जाएगा इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर, गुरु दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, गुरु दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दोबारा वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और वह 4 किलोमीटर चलता है, दोबारा वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और कुछ देर रुकता है फिर वह 3 किलोमीटर चलता है, कुछ देर रुकता है फिर वह 3 किलोमीटर चलता है, तो वह गुरु शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है, गुरु शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है। तो आप ध्यान समझिए, जब ये 3 है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी 3। अब यहाँ पे गुरु खड़ा है और यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई 5, तो 5 से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर। इस सवाल का सही आंसर होगा क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल दिया है आपके सामने स्क्रीन पर, निकिता एक कार में पूरब की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करती है, पूरब की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करती है, पूरब की ओर 5 किलोमीटर यात्रा करती है और फिर अपने दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर यात्रा करती है, फिर अपने दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, वो फिर अपने दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर की यात्रा करती है और उसके बाद फिर से दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, फिर से दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो पूछा गया सवाल आपसे, वह प्रारंभिक बिंदु से अब कितनी दूरी पर है, तो यह क्या है इसका अंतिम बिंदु है और यह आपका क्या था प्रारंभिक बिंदु था, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना दी है 17 और चल कितना चुकी थी वो 5, तो 17 से 5 माइनस कर देंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी 12 किलोमीटर, आपका क्या आ जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर, फिर रमेश अपने घर से 10 मीटर पूरब की ओर दूरी तय करने के बाद, रमेश अपने घर से 10 मीटर पूरब की ओर दूरी तय करने के बाद, 10 मीटर पूरब की ओर दूरी तय करने के बाद अपने दाएं मुड़ा, अपने दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, अपने दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, अपने दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलने के बाद, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलने के बाद, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला,
अब वह अपने बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब पूछा गया है, फिर वह अपने बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। फिर क्या बोला गया, फिर वह बाएं मुड़ा है और कितना चला है, 15 मीटर। तो पूछा है वह अपने घर से कितनी दूरी पर खड़ा है। तो ये इसका कहां पे खड़ा है, ये इसका अंतिम पॉइंट है और ये क्या है, इसका प्रारंभिक पॉइंट है। तो ये पूछा है कितनी दूरी पे खड़ा है, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई है सवाल में, ठीक है। तो आपको पता है ये वाली डिस्टेंस टोटल कितनी दी गई है, 15। टोटल डिस्टेंस कितनी दी गई है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दी गई है आपको 15 दी गई है, और ये यहां से कितनी डिस्टेंस दी गई है, 5। ये आपको कितनी दी गई है, 10। तो टोटल क्या करेंगे, 15 से 10 माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो ये वाली टोटल कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। अब देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आपको दी गई है टोटल 10 दी गई है, तो ये वाली पूछा है, तो टोटल 15 है, 15 से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल दिया गया है आपके स्क्रीन पर कि एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है, तो शुरुआती स्थान से वह कितना दूर है, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी है। तो ये इसका क्या था, प्रारंभिक स्थान था, ये इसका क्या था, अंतिम स्थान था। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितना आ जाएगी, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 ये क्या आ जाएगा, √25। बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, 5 किलोमीटर। इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल आपका दिया गया है स्क्रीन पर कि रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, वह फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर का सफर करता है, वह फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर का सफर करता है, सफर तय करता है, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो जब ये 3 है तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3। अब ये पूछा है आपसे, तो यहां पे है ये आपका अंतिम बिंदु हो गया और ये क्या है आपका, प्रारंभिक बिंदु है। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 3। अब यदि ये आपको पता चल जाए ये वाली कितनी है तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये 12 दी है, ये 8, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, 4। अब यहां से क्या करना है, पाइथागोरस लगा दो, ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 ये आपका कितना आ जाएगा, √25, ये आपका क्या गया, 5। तो ये वाली साइड आपकी कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा, 5 किलोमीटर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अगला सवाल दिया गया है आपका कि x 15 किलोमीटर उत्तर और फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई, और फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर साइकिल चलाई, 20 किलोमीटर साइकिल चलाई, उसे अपने मूल स्थान तक पहुंचने के लिए कम से कम और कितनी किलोमीटर
साइकिल चलानी होगी, तो यहां से वो साइकिल चलाना स्टार्ट करता है और यहां तक पहुंच रहा है। तो अब उसको यहां से यहां तक पहुंचने के लिए अभी कितनी साइकिल चलाना पड़ेगा, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा आपका रूट 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर करेंगे आपका कितना आ जाएगा 415 का 225, तो ये आपका कितना आ जाएगा 400 225 जोड़ देंगे 625, ये किसका रूट होता है 25 का, तो ये जो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी 25 किलोमीटर। तो आपका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर। तो अभी तक जो हमने सवाल प्रैक्टिस किया है साथियों, ये टाइप नंबर 1 था डायरेक्शन का, डायरेक्शन का क्या था टाइप नंबर 1। टाइप नंबर में 1 में हम लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया है, सबसे पहले बता देते हैं इसमें कि आरंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करने पे, जो टाइप नंबर 1 था अभी तक क्या था आरंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करना क्या था आरंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करना। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे टाइप नंबर 2 में, जो दो डिस्टेंस के बीच की दूरी ज्ञात करना होता है, दो लोग दिए होंगे पूछेगा उनके बीच की दूरी क्या होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।